हाय गाइस, दिस इज आदिल एंड यू आर वाचिंग ट्रेंडिंग टेलीज। तो जी, आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि 12 मई 2019 में जो मैच खेला गया था आईपीएल का मुंबई और सीएसके के बीच में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा मैच था, क्या वो मैच फिक्सिंग था। आप लोग सोच ही सकते हैं कि चेन्नई कितनी बुरी तरीके से हारा है। और वही अगर बताऊँ सही सेम अपडेट का, तो 2017 मेरे ख्याल से वो पुणे राइजिंग पुणे सुपर जाइंट से धोनी लोग खेल रहे थे, तो वही वहाँ भी वो लोग एक रन से हारा। तो सीएसके फैंस बहुत नाराज़ होंगे कि 12 में वो लोग हार गए, इतने बुरी तरीके से हारा है कि सिर्फ एक रन के लिए वो लोग हार गए। वो लोग सिर्फ सोच सकता है कि बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो आज मैं बताऊँगा क्यों सीएसके हारा था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं। और हमारा उत्साह बढ़ा के हमें ग्रो करना सिखाएंगे आप लोग। तो यार दोस्तों, बुरा मत मानना कि वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग, थंबनेल ये कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो बहुत ही मतलब नाजुक चैनल है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और रही बात एडिटिंग और कस्टम सेटिंग्स की, वो उतना खास मैं नहीं जानता। फिर भी मैं आप लोग के पास एक मतलब दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, आपके सीएसके फैन के साथ शेयर कीजिए और वीडियो हम तक देखिए क्यों हारा था सीएसके उस दिन। तो देखिए, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये सीएसके जो है, ये वाला जो आपका लायन का जो सिंबल है, ये दर्शाता है कि कितना मतलब एक्सपीरियंस टीम, कितना बेस्ट टीम है ये आईपीएल में आज के तारीख में। तो ये डैडी टीम भी बोला जाता है कि सीएसके को डैडी टीम, क्योंकि जो मैक्सिमम प्लेयर इस टीम में जो डैडी है और उम्र में बहुत बड़े हैं दूसरे टीम के प्लेयर से। तो 2019 में 12 मई को सीएसके और मुंबई के बीच में एक मैच खेला गया था, और बहुत ही मिनिमम टोटल दिया था मुंबई इंडियंस ने, यानी कि एमआई ने, पर उस छोटे टोटल को भी चेंज कर नहीं पाया सीएसके ने। अब देख सकते हैं कि टोटल हुआ था 155 और जीतने के लिए चाहिए था 156, फिर भी देख सकते हैं कि सीएसके ने सिर्फ और सिर्फ बनाया था 109 रन 17 ओवर 4 बॉल में। रही बात धोनी की, सब लोग बोल रहे थे कि वो मैच हार गया क्योंकि धोनी चल बसे थे। मेरा प्रश्न सीएसके फैन से है कि सिर्फ धोनी अच्छा खेले ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि टीम का 11वां प्लेयर मतलब 11 प्लेयर ही अच्छा खेले, तभी मैच का रूप चेंज हो सकता है। जैसे कि आप देखे थे कि मुंबई इंडियंस और सीएसके का मैच, उस मैच में मुझे लगा था कि चेन्नई हरगिज जीतेगा और मुंबई हार ही जाएगा, पर उस मैच में इतना ट्विस्ट था कि क्या बोले। पहली बात जो कि चेन्नई सुपर किंग अच्छा मतलब स्टार्टिंग के साथ चल रहा था, धीरे धीरे विकेट जीतता रहा, पहला विकेट साफ डुप्लेसी का गया, फिर गया सुरेश रैना का, फिर आए धोनी। वहाँ बात रही थी, सब लोग बोल रहे थे कि ये भी मुझे लगता है कि धोनी को आना नहीं चाहिए था उस समय, किसी और को भेज सकते थे कि क्योंकि बहुत सारे ओवर अभी भी थे, मतलब उस समय थे उस मैच के दौरान, तो धोनी बाद में आ सकते थे, पर वो आ गए। वो रनआउट वाले मतलब जो हो गया रनआउट, सब बोल रहे थे कि मतलब वो गलत डिसीजन है अंपायर का, वो आउट ही नहीं हो सकता क्योंकि मतलब लाइन में पहुंच गए। पर एक बात है, देखो सीएसके के फैंस, देख लो आईपीएल का मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अंपायर के सोचने के बाद ही ले जाएगा, और उसके ऊपर
कोई आवाज नहीं उठा सकता, मतलब अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, आप कोई मतलब उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर ये अगर क्राइटेरिया है आईपीएल का तो आप मतलब बहस भी नहीं कर सकते। मतलब एक दिन आप लोगों ने शायद सुना था कि धोनी ने मतलब फील्ड में आके अंपायर के साथ बहस करने लगा, तो वो जायज ही नहीं है। इसलिए सीएसके के फैंस बुरा मान सकता है कि धोनी को पेनल्टी भी भरना पड़ा। तो ये सब बात है जो कि आईपीएल में मतलब बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो उस दिन जो बात में आते हैं कि धोनी को आना नहीं चाहिए था, वो दौरान आउट हो गया। फिर सब बोल रहे थे कि वॉटसन खेलेगा, वॉटसन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक खेलेगा, कुछ अच्छी पारी दे के जाएगा आज। तो वो भी अच्छा खेल रहा था। फिर आखिर तक जब वो भी आउट हो गया तो किसी ने बोला कि ये जडेजा का गलती था कि उसने रन लेना चाहा। तो ये सब बहुत ही गलत फहमी होता है कि रनर्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में, कि तुम आओ मैं जाऊंगा रन लेने, तो ये सब होता है। तो ये कोई बुरा बात मानना नहीं है, क्योंकि ये गेम है और ये वर्ल्ड कप भी नहीं है, सिर्फ आईपीएल है। पर फिर भी सीएसके का फैंस मतलब नाराज होंगे कि ये लोग 10 बार जा चुके हैं, शायद 10 या 9 बार फाइनल में जा चुके हैं और सिर्फ 3 बार जीते हैं। रही बात मुंबई इंडियंस की, वो लोग 4 बार गए हैं फाइनल में और 4 ही बार जीते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सैड न्यूज है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए। मतलब वो लोग जीत सकते थे 10 बार नहीं सही तो एटलीस्ट 5-6 बार, पर वहां तक नहीं गया। तो ये बात है कि मुंबई इंडियंस का पल्ला फाड़ी है सीएसके के सामने। तो अब सेकंड पॉइंट आते हैं कि क्या था कमजोर स्ट्रेटजी सीएसके का जिसकी वजह से वो लोग हारे थे 12 मई को। तो रही बात बैट्समैन, वो लोग तो विकेट हारते ही रहे थे। फिर भेजा ठाकुर को, जहाँ फैंस का मानना है कि ठाकुर उतना अच्छा मतलब स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकता जहाँ दीपक चेयर कर सकता था, पर धोनी ने भेजा ठाकुर को। तो वहाँ सब लोगों को मतलब एक डाउट हुआ था कि क्या ये आज मैच फिक्सिंग गेम था कि धोनी ने भेजा ठाकुर को, दीपक चेयर को नहीं भेजा। जहाँ सब लोगों का मानना है कि दीपक चेयर बहुत अच्छी से मतलब मैच को अपने कब्जे में ले आ सकते थे, पर वहीं मतलब सबका डाउट हो गया कि मैच फिक्सिंग था। तो बहुत सारा डाउट है, पर मैं बोलूँगा कि आईपीएल में ये बहुत बार हो भी चुका है। सीएसके को सस्पेंड भी कर चुका है 2 साल के लिए, मतलब 2016-17 वो लोग सस्पेंडेड था, वो टीम और राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीम सस्पेंडेड था। तो सिर्फ मैच फिक्सिंग के लिए ये लोग मतलब पनिशमेंट भी मिल सकता है, पेनल्टी भी भरना होगा, ये सब बात है। फिर भी मुझे भी लगता है कि मैच में थोड़ा कुछ लूज पॉइंट था, थोड़ा ढीला था, मतलब ये हाथ में था मैच, फिर भी वो लोग हार गए। तो ये सब रीजन हो सकता है कि या तो मैच फिक्सिंग था या तो वो लोग होप हार चुके थे। सब लोग बोल रहा था कि मतलब वो लोग होता है ना कि धोनी का वाइफ जीतेगा या रोहित का वाइफ जीतेगा या साक्षी जीतेगा या रकुल जीतेगा, ये सब होता था। पर एक्सप्रेशन देख के लगता था कि साक्षी जीतेगा, पर आखिर में जीता रकुल। तो यही था आज के वीडियो में। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। और हाँ, आखिर तक मैं बोलना चाहूँगा कि एक स्पिरिचुअल इंस्पायरिंग टीम है ये आईपीएल में, एक इंस्पायरिंग टीम है चेन्नई सुपर किंग। इन लोगों का मैं क्या बोलूँ, ये लोग इतना इंस्पायरिंग है कि ये लोग इतना ढीठ है कि मतलब फाइनल इन लोगों को जाना ही जाना है, पर जाने के बाद वो लोग हार के आते हैं, ये मतलब अच्छा बात नहीं है, मतलब दुख होता है सीएसके फैन को। पर कोई नहीं, अगले साल तो आएगा और जीतेगा। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो फ्रॉम ट्रेंडिंग डेलीज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेंडिंग डेलीज को अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हैं।
लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें नोटिफाई कीजिए कि अगला वीडियो आपको क्या चाहिए। तब बखैर।